एक दफा उंगली के इशारे से अबू लहब ने कहा था नबी पाक को आपका हाथ टूट जाए। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अभी लहबिम व तब। तू कहता है मेरे नबी का हाथ टूट जाए, तेरे दोनों टूट जाएंगे। और सुनो अबू लहब का हाल क्या हो। अबू लहब का माना है अबू लहब शोलों का बाप, लहब शोला वाला। क्या मतलब? अबू लहब इतना हसीनो जमील था कि उसके जो रुखसार थे शोलों की तरह चमका करते, इतना खूबसूरत था, लाल सुर्ख रंग था, खूबसूरत आदमी। अरब में जब गुर्बत थी तो इसके घर में उस वक्त भी दो ईंटें सोने की थी। इतना मालदार आदमी और सरदार था सारे मक्के का, लेकिन नबी पाक की बेअदबी की। तुम्हें पता ही नहीं कि रब दुनिया में सबसे ज्यादा नाराज ही उससे है जो उसके रसूल का बेअदब है, सबसे ज्यादा नाराज ही उसी से। अबू लहब ना गया बदर के मौके पर, डर गया, कहने लगा मैंने नहीं जाना, मक्के में रह गया, मुसलमानों के खिलाफ ना निकला। लोगों ने बड़ा इसको लान तान किया, लेकिन कहने लगा मेरे खर्चे पे चार पांच बंदे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, पीछे रह गया। लोग कहने लगे बच गया, लेकिन इसके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी निकली कि रेशे से भर गया सारा वजूद, रेशे। इसके बच्चों ने ले जाके अबू लहब को पीछे एक हवेली थी मक्के के बाहर, उसमें बंद कर दिया। चीखता था, चिल्लाता था, बंद कर दिया उसको ले जाके वहां पीछे। और जब उसको बंद कर दिया कमरे में तो चिल्लाता था, चीखता था, कोई मुझे बचाओ, कोई पानी पिलाओ। दरवाजा तोड़ के बाहर निकला तो चौक में मर गया अबू लहब। इतनी बदबू आती थी कि कोई करीब नहीं जाता था। चौक में लाश पड़ी थी, यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं है। चौक में लाश पड़ी है, तब्बत यदा अभी लहबिम व तब, चौक में पड़ी हुई है, कोई करीब नहीं जाता। उसके बेटों से लोग जाके कहने लगे तुम्हारा बाप था, शर्म करो। एक मुलाजिम को पैसे दिए उसके बेटे ने, कहा गड़ा खोदो और मेरे बाप को रस्सी के साथ पकड़ के उसमें फेंक दो। एक गड़ा खोदा मक्के की गली में और रस्सी के साथ पकड़कर, रस्सी के साथ बांधकर उसकी टांग को घसीट कर उस गड़े में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, बदबू का वो ढेर बंद कर दिया। अबू लहब मक्के का सरदार था, पर जाने कहां मर्दूद दफन है। लेकिन मियानी साहब के कब्रिस्तान में जाओ, मियानी साहब के कब्रिस्तान में वो इल्मुद्दीन जिसे अपना नाम भी नहीं लिखना आता था, हजारों लोग रोजाना उसकी कब्र पे खड़े होते हैं और रसूलुल्लाह की नाते सुनाते हैं।